नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आरशी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ग्रीन पार्क में सोमवार से शुरू हुए मेगा वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रतिदिन 4000 डोज का लक्ष्य लेकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। युवाओं को 9 और वरिष्ठ जनों को एक बूथ पर सुरक्षा का डोज देने की व्यवस्था की गई है। ग्रीन पार्क में सोमवार से शुरू हुए मेगा वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रतिदिन 4000 डोज का लक्ष्य लेकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। युवाओं को 9 और वरिष्ठ जनों को एक बूथ पर सुरक्षा का डोज दिए जाने की व्यवस्था की गई है। वीआईपी पवेलियन में बने 3 नए बूथों का शुभारंभ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें कि ग्रीन पार्क में वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण प्रतिदिन पहले 2000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब बढ़कर इसे 4000 कर दिया गया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी बूथों पर गाइडलाइनों के पालन करा के वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वीआईपी पवेलियन के ऊपर तल पर टोकन सिस्टम के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। वरिष्ठ जनों और युवकों को अलग अलग गेट से स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। साथ ही वरिष्ठ जनों के लिए त्वरित रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है। तो इस वक्त हम ग्रीन पार्क स्टेडियम पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर महावैक्सीन अभियान चल रहा है। यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं कितनी बहुतायत मात्रा में यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बैठे हुए हैं। और वैक्सीन की 48 साल के ऊपर के लोगों को भी लग रही है, उसके कम के लोगों को भी लग रही है। सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है, रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपका यहाँ पर नाम आता है तो उसके बाद में वैक्सीन। अभी लमसम कितनी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोगों को डेली लगती है? यहाँ डेली 1800 से 2000 तक लग रही है वैक्सीन। तो अभी मतलब एज वाइज 48 के ऊपर ही लग रही है या क्या? प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है, जो 18 साल से ऊपर है उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो कोड मिलता है उसके आधार पर लगती है, और 45 प्लस जो लोग हैं उनका तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, तुरंत ही इंजेक्शन लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 45 प्लस जो होता है उनका यहाँ पर त्वरित प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करके भी वैक्सीन को लगवाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की किस तरीके की भीड़ है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम है जहाँ पर लगातार कई दिनों से वैक्सीन लगाने का जो है महाअभियान चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज प्लस, कानपुर। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में 4 जून से ओपीडी की शुरुआत होगी। जनरल ओपीडी अभी सीमित संख्या में मरीज देखे जाएंगे। ओपीडी में आने के लिए मरीजों का समय पूर्व निर्धारित होगा। अपॉइंटमेंट सिस्टम अनावश्यक भीड़ को रोकने में कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं अस्पतालों में ओपीडी संचालन के क्या है नियम। उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में जनरल ओपीडी शुरू किए जाने की बात कही। प्रदेश के सभी अस्पतालों में 4 जून से ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। जनरल ओपीडी में अभी सीमित संख्या में ही मरीज देखे जाएंगे। ओपीडी में आने के लिए मरीजों का समय पूर्व निर्धारित होगा। अपॉइंटमेंट सिस्टम अनावश्यक भीड़ को रोकने में कारगर साबित होगा। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे निरंतर जारी रहेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इसका लाभ मिल सके। 4 जून से सभी मंडल, जिला व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का उपचार शुरू हो जाएगा। इन अस्पतालों में फीवर क्लिनिक और फ्लू क्लिनिक अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। जिन मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण होंगे उनकी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनका उपचार अन्य मरीजों से अलग किया जाएगा। ओपीडी में आने वाले मरीजों को जरूरत के मुताबिक भर्ती कर सर्जरी शुरू की जाएगी। जो मरीज लंबे समय से सर्जरी का इंतजार में है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जिन अस्पतालों में प्रसव होता है वहाँ की व्यवस्थाएं पहले की तरह फिर से शुरू की जाएंगी। गर्भवती महिलाओं से जांच भी किए जाएंगे और जरूरत के मुताबिक सिजेरियन और सामान्य प्रसव की भी सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसी तरह से सभी उपकेंद्रों में फिर से टीकाकरण सहित अन्य गतिविधियां का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं, उसमें सभी तरीके की सर्जिकल ओपीडी 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगी और उनके ऑपरेशन भी कोविड जाँच के बाद उनका ऑपरेशन किया जाएगा जिन मरीजों का करना है। और इस तरीके से सर्जिकल ओपीडी सभी खुल गए, लेकिन सभी मरीज इमरजेंसी में भी देखे जा रहे हैं। सभी तरीके के पोस्ट कोविड ओपीडी चल रही है, फ्लू क्लिनिक भी चल रही है। तो इस तरीके से मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही है, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कल पर्चे बनना शुरू होंगे, 8 बजे से बनेंगे, 1:30 बजे तक बनेंगे और सभी मरीज देखे जाएंगे। कुछ स्पेशल गाइडलाइन है कि इतने मरीजों को ही भेजा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई सभी मरीज देखे जाएंगे। कहे कोरोना
की गाइडलाइन नियमों का, हाँ कोरोना के नियमों का जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए ओपीडी चलेगी। एक माह के बाद में लॉकडाउन जो है अनलॉक जो है वो हो चुका है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ में लॉकडाउन खुला है, लेकिन 4 तारीख यानी कल से ओपीडी को भी शुरू किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में यानी उत्तर प्रदेश में ओपीडी को खोला जा रहा है। सर्जरी के लिए भी लोगों को मतलब अगर कोई सर्जरी करवाना चाहता है वो करवा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है कि सर्जरी के पहले आपको कोविड जांच अनिवार्य होगी। और इस दरमियान जो पिछली सर्जरियाँ जिनकी पेंडिंग थी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? अमान। तो कल से ओपीडी खुल रही है, तो किस तरीके से क्या है, आपको क्या निर्देश मिले, क्या गाइडलाइन मिली? हम लोगों को ये गाइडलाइन मिली है कि कोविड को देखते हुए सारे इमरजेंसी सेवाएं शुरू रहेंगी, जैसे कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ था वैसे ही बनेगा, उसमें फीवर वाले पेशेंट वैसे ही देखे जाएंगे, और जो भी पेशेंट पहले आएगा सर्जरी के लिए उसकी पहले कोविड की जाँच होगी, उसके बाद सारे पेशेंट भर्ती करे जाएंगे, ऑपरेशन सारे शुरू हो जाएंगे, सारी गायनी चलेगी, ओपीडी, फिजिशियन ओपीडी, स्किन ओपीडी, डेंटल ओपीडी, ईएनटी ओपीडी, सारी सुविधाएं कल से शुरू हो जाएंगी हमारे। इसके लिए कुछ स्पेशल जैसे कि कोई ईएनटी के लिए दिखाने आता है ओपीडी नॉर्मल पर्चा जो बनवाता है तो उसके लिए क्या विशेष है, सर्जरी को अगर छोड़ दें तो क्या विशेष कुछ गाइडलाइन है उनके लिए? बस 2 गज दूरी मास्क के ज़रूरी के लिए गाइडलाइन दी गई है, सरकार के निर्देशों का पालन करना है हमें, इसी तरीके से कोविड आगे के संकेत देखते हुए महामारी को हमें रोकना है। और टाइमिंग क्या होगी? 8 बजे से 1:30 बजे तक की हमारी ओपीडी की सेवाएं चलेंगी, 2 बजे तक सारे डॉक्टर बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो है कल से ये ओपीडी की शुरुआत हो जाएगी और 2 बजे तक का यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे और हर तरीके की जो ओपीडी जिस तरीके से पहले यथावत चलती थी वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन सर्जरी की अगर बात की जाए, अगर किसी की सर्जरी करानी है तो उसके लिए पहले कोविड की जाँच जो है वो अनिवार्य की गई है। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।